स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं आपके साथ रूपाली। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुए तकरीबन 2 साल का समय बीत चुका है, लेकिन इस मामले में अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि नई ऊंचाइयों को छूने वाले सितारे को किस वजह से मौत की नींद सो जाने के लिए मजबूर होना पड़ गया था। देश भर में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत मृत्यु की असल वजह क्या है। एक तरफ जहां सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती को एक बार फिर एनसीबी की जांच का सामना करना पड़ा है और लगातार उन पर ही शक की सुइयां घूमती रहती हैं। बता दें कि इस बार भी रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बड़ा खुलासा किया गया है। एनसीबी ने आरोप लगाया है कि अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ड्रग्स सप्लाई करती हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की चार्जशीट में रिया और उनके भाई शोविक का नाम भी शामिल है। बता दें कि एनसीबी के ड्राफ्ट में रिया और शोविक के अलावा 33 और लोगों के भी नाम शामिल हैं। इन पर हाई सोसाइटी और बॉलीवुड के लोगों को ड्रग सप्लाई करने का चार्ज लगाया गया है। सुशांत को नशे की लत में लगाने के लिए उकसाना का आरोप है। एनसीबी ने दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने अपने भाई शोविक समेत कई आरोपियों से कई बार गांजे खरीदकर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को दिया है, बल्कि सुशांत सिंह को गांजा लेने के लिए भी उकसाया है। एनसीबी ने चार्जशीट में यह भी जोड़ा है कि रिया भाई शोविक ड्रग पेडलर के संपर्क में था, वह ऑर्डर देता था, फिर वह ड्रग सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंचाता था। चार्जशीट में यह भी दावा किया गया है कि सभी आरोपियों ने मार्च 2020 और दिसंबर के बीच एक दूसरे के साथ ही समूह में हाई सोसाइटी और बॉलीवुड के ड्रग्स की खरीद बिक्री और वितरण के लिए अपराधी साजिश रचाई थी। आरोप के मुताबिक हाई सोसाइटी और बॉलीवुड में जिन नशीली चीजों की सप्लाई की गई उनमें गांजा, चरस, कोकीन और दूसरे नशीले पदार्थ शामिल थे। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को अपने घर में मुर्दा पाए गए थे। बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली थी। सुशांत की फैमिली ने एक्टर की मौत का जिम्मेदार रिया चक्रवर्ती को ठहराया था। सुशांत सिंह की कई जांच एजेंसियों ने तहकीकात की है, लेकिन मौत की असल वजह आज तक सामने नहीं आई है। लेकिन सालों से चला आ रहा ड्रग्स का कारोबार का भंडा फूटना बेहद जरूरी है, जिसके चलते एनसीबी लगातार जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। आगे देखना होगा कि आखिरकार क्या सच सामने आता है या फिर ये गुत्थी यूं ही उलझी रहती है। इसी के साथ वीडियो में एंड करती हूँ। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।